गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं रविंद्र योगी आपके लिए फिर से लेके आया हूँ कुछ ट्रिक्स। आपने मेरे पिछले वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। प्लीज़ अब मैं आपको आज एस ब्लॉक और डी ब्लॉक को याद करने की ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि अभी जो आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम्स हैं उनमें ये क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं। आइए देखिए, ये है आपका एस ब्लॉक। एस ब्लॉक में आपके तत्व आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। इसको आपको याद करना है तो आप इसको इस ट्रिक से याद करेंगे, हलीना की रब से फरियाद, हलीना की रब से फरियाद। तो ये आपका एस ब्लॉक के पहले वर्ग के तत्व आपको याद हो जाएंगे। दूसरे वर्ग के तत्वों को याद करने के लिए हम इसको पढ़ेंगे कैसे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रेंशियम और ये सारे तत्व आपको एस ब्लॉक के इसी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। तो बिल्कुल आसान था ये एस ब्लॉक आपको याद करना। इसी तरह से अब आपको मैं पी ब्लॉक के तत्वों को याद करना समझाता हूँ। ठीक है, पी ब्लॉक के ये सारे तत्व आपके सामने लिखे हुए हैं, कुछ के इसमें परमाणु क्रमांक भी लिखे हुए हैं, 20 तक के परमाणु क्रमांक भी आपसे पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो आप इनसे आप याद कर सकते हैं। देखिए, पी ब्लॉक के तत्व याद करने के लिए बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, कैसे याद करेंगे, बैंगन आलू गाजर इन थैला, बिल्कुल आसानी से आपको याद हो जाएंगे सारे तत्व। अगला, काली सी गुड़िया सुंदर प्यारी, काली सी गुड़िया सुंदर प्यारी, तो ये आपको पी ब्लॉक के अगले तत्व याद हो जाएंगे। अगले तत्व याद करने के लिए आप इस आएंगे तो नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास, कैसे याद करेंगे, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ठीक है, इस तरह से आपको ये तत्व भी याद हो जाएंगे। अगला आता है आपका ऑक्सीजन वाला वर्ग। ऑक्सीजन वाले वर्ग में हम कैसे याद करेंगे, ओ स्टाइल से टीपो रे, अरे टीपना है तो ओ स्टाइल से टीपो। ठीक है, तो ये आपको याद हो जाएंगे, ये ऑक्सीजन वाले वर्ग के सारे तत्व हो गए ऑक्सीजन। ठीक है, अब आपको हैलोजन वर्ग के तत्व एग्जाम में पूछे जा रहे हैं कि निम्न में से कौन सा हैलोजन वर्ग का तत्व है या नहीं है, तो इसे याद करने के लिए आपको बहुत ही आसान तरीका है, इसे याद करेंगे फिर कल बाहर आएंगे ऑटो से, इसे याद रखेंगे फिर कल बाहर आएंगे ऑटो में ऑटो से। ठीक है, तो याद रखेंगे आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मेन तत्व है, इन्हीं के बारे में आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से हाइड्रोजन तत्व कौन सा है या नहीं है। अब अगला, ये शून्य वर्ग अक्रिय गैस है, इनके भी क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं कि कौन सा अक्रिय गैस है या नहीं है। इसको याद करने का भी बहुत आसान तरीका है, जैसे हम कैसे याद करेंगे, देखो ही नीलम आकर एक्सरे, सॉरी ही नीलम आकर एक्सरे करे, तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हो। ये सब क्या है, शून्य वर्ग के तत्व, अक्रिय तत्व, उत्कृष्ट गैस है, निष्क्रिय गैस है, सब इन्हीं के नाम दिए गए हैं। क्लियर है दोस्तों, इस तरह से आपको एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के तत्व याद हो जाएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और मैं अब इन तत्वों के अलावा भी मैं आपका कुछ की विशेषताएं आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, लिथियम, लिथियम क्या है, सबसे हल्की धातु है, जबकि ऑस्मियम क्या है, सबसे भारी धातु है। ठीक है, प्लेटिनम सबसे कठोर और महंगी धातु है, इस प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है दोस्तों, इसको आप ध्यान रखना, प्लेटिनम को व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, ये सबसे महंगी धातु है मिलने वाली। ठीक है, इनके क्वेश्चंस भी आते हैं। ये पारा है, पारा एकमात्र द्रव धातु है, ठीक है, जबकि ब्रोमीन एकमात्र द्रव अधातु है, तो इसमें आप कंफ्यूजन मत होना, पारा तो धातु है, ब्रोमीन क्या है, अधातु है। क्लियर है। इसके बाद सोडियम, सोडियम के बारे में भी क्वेश्चन आता है, तो सोडियम एकमात्र ऐसी धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है, और सोडियम ऐसी धातु है जो वायु और पानी के संपर्क में आकर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल में भी रखा जाता है, तो ये आपको याद रखना रहेगा दोस्तों,
इनमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं लगातार। और भी देखो, मैं आपको कुछ और की विशेषता बता देता हूँ। ये हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन तत्व को आवारा तत्व भी कहा जाता है, और हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस भी है, सबसे हल्का तत्व भी है, ठीक है। और भविष्य का ईंधन भी हाइड्रोजन गैस को ही कहा जाता है, ठीक है। अगला देखते हैं, बेरिलियम है इसके अंदर, बीई बेरिलियम। बेरिलियम क्या है? बेरिलियम ऐसी गैस है जिसमें आतिशबाजी में हरा रंग जो होता है वो बेरिलियम के ही कारण होता है, तो आपको ये याद रखना रहेगा, ठीक है। और देखो कार्बन, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसकी संयोजकता 4 होती है, और इसका परमाणु भार 12 होता है, ठीक है। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप हीरा होता है। कार्बन के 3 समस्थानिक होते हैं, सॉरी 3 अपरूप होते हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन। तो ये भी पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा अपरूप नहीं है, या कौन कौन इसके कार्बन के अपरूप हैं, क्लियर। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। नाइट्रोजन गैस पृथ्वी मंडल पर पाए जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। पृथ्वी पर 78% नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। ये अज्वलनशील गैस होती है, इसलिए जो चिप्स पैकिंग वगैरह आप चिप्स खाते हो, ठीक है, तो उस चिप्स के अंदर जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन गैस होती है, क्लियर है दोस्तों। अब देखते हैं अगली, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर लगभग 21% मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। ये जीवनदायी गैस है, आप जानते हैं सभी। ऑक्सीजन सिलेंडर जो होता है उसके अंदर ऑक्सीजन के साथ में हीलियम गैस भरी जाती है। ये हीलियम जो गैस है दूसरी सबसे हल्की गैस कहलाती है। पहली हाइड्रोजन थी, दूसरी हीलियम होती है। हाइड्रोजन ऑप्शन में नहीं है तो आप हीलियम आंसर टिक करोगे। और ये हीलियम गैस जो है गुब्बारों में भरे जाने वाली गैस भी है, ठीक है, तो ये आपको याद रहेंगे। और ये सारी अक्रिय निष्क्रिय गैस है, जिसमें से ये आर्गन और पारे की वाष्प ट्यूबलाइट में भरी जाती है, आप जानते होंगे। बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन धातु का बना होता है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये सब आपको एग्जाम में याद रखने हैं। इस तरह के ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सोडियम का 11, देखो एक बार मैं 20 तक परमाणु क्रमांक आपको समझा देता हूँ। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, हीलियम का होता है 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियोन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। देखो दोस्तों, ये एल्यूमिनियम जो धातु है पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पृथ्वी में पाई जाने वाली धातु है एल्यूमिनियम, और पृथ्वी पर पूछेगा तो लोहा है इसका आंसर, ठीक है। 14 पे आता है सिलिकन, 15 पे आता है फास्फोरस, और 16 पे सल्फर, 17 पे क्लोरीन, 18 पे आर्गन, 19 पे सोडियम पोटेशियम, और 20 पे कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है। ये 20 तक परमाणु क्रमांक आप अच्छे से याद कर लेना दोस्तों। ये सिलिकन, इस सिलिकन की भी मैं आपको विशेषता समझा देता हूँ। सिलिकन का उपयोग किया जाता है कंप्यूटर की चिप बनाने में, मोबाइल की चिप बनाने के लिए में सिलिकन धातु का उपयोग किया जाता है, ठीक है। सिलिकन इसलिए इंपॉर्टेंट धातु है, ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में काम आता है, क्लियर है दोस्तों। तो ये आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से टच होंगे, आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए, या आपके एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन इनमें से पूछे जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और आप इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।